तो भैया बात कुछ ऐसी कि अभी हमारा कलाम के लिए सफ़र स्टार्ट हो गया और मैं, सोहेल, फहद और हमजा हम बाहर बैठे हैं, बाकी जो अली हसन है और हमारे साथ तीन ताहिर के दोस्त जो शादी पर आए हुए थे वो भी हमारे साथ कलाम के लिए चल रहे हैं। तो हम टोटल 8 बंदे हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है, देख लेना, बस याद कर लेना। तो भैया हम अभी पहुँचे कुंभड़ के अड्डे पर और यहाँ से हमें गाड़ी मिलेगी जो हमें लेके जाएगी तेमड़गरा, और तेमड़गरा से हम गाड़ी कराएंगे जो हमें लेके जाएगी सवात। तो ये दो गाड़ियाँ अभी चेंज करनी है। इस एरिया का नाम घोड़ा घाट है और यहाँ पर हम गन्ने के जूस पीने के लिए हम स्टे किया था और यहाँ का गन्ने का जूस बहुत अच्छा है। ये एरिया बस घोड़ा घाट के नाम से मशहूर है और बैकग्राउंड तो आपने देख लिया, बाकी आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पर आना कितना लाजमी है। और ये मालाखंड के बाद आता है, मालाखंड की जो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाखंड, उसके बाद ही आता है। तो भैया काफ़ी सफ़र करने के बाद सर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि चाय नहीं पीती सुबह से, तो अभी हम पहुंचे छोटा कलाम और यहाँ पे हम चाय पियेंगे क्योंकि आपको पता है हमारे सर में दर्द होता है जब तक चाय ना पिए। तो हमारे पीछे होटल का नाम है होटल डिलक्स, ये छोटा कलाम, और इसका व्यू भी बहुत अच्छा है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो चाय यहाँ की ज़रूर ट्राई करेंगे एनी हाउ। भैया कुछ देर पहले हम कलाम पहुंचे थे और अभी हम जा रहे हैं खाना वाना खाने क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 10 हो रहे हैं। और हमने तो सुबह को जो वलीमे पे खाना खाया था उसके बाद हमने कुछ नहीं खाने खाया, और रास्ते में सब हमने समोसे वगैरह खाए थे लेकिन खाना नहीं खाया था। तो अभी हम जा रहे हैं खाना वाना खाने और उसके बाद वापस आके थोड़ा आराम करेंगे क्योंकि कल हमने जाना है माहू ठंड, तो उसके लिए फ़्रेश वगैरह भी होना पड़ेगा ना। सफ़र बहुत लंबा किया हमने, तो मिलते हैं बाज़ार में खाने के टाइम। आपको हमने बताया नहीं कि हमारा जो स्टे हुआ है वो है अल नूर होटल, ये वही अल नूर होटल है जो हम 2020 में कलाम जब हम आए थे तो इसी होटल में रहे थे, अल नूर होटल। तो मुझे अच्छा लगा था होटल, तभी हम सीधा यहीं पे आए थे, तो अच्छा होटल है बहुत। और इसके नज़ारे तो आपको मैंने 2020 वाले व्लॉग में देखे थे, वरना आप दोबारा देख सकते हैं वो वाला मेरा व्लॉग, ठीक है।
बड़ी सर्दी है यार, कहाँ 53 डिग्री टेम्परेचर से है, यहाँ 15 डिग्री टेम्परेचर है, बस लगे हुए। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि मैं ऑलमोस्ट 2 साल बाद आ रहा हूँ कलम, और बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं। आई मीन के इतने सारे, इनके पहले इतने दुकान नहीं थे यहाँ पर, और पहले इतनी रश ज़्यादा नहीं थी दुकानों पे, लेकिन अब काफ़ी रश और काफ़ी होटल्स वगैरह बन गए हैं, और काफ़ी आई मीन के खाने की जगह काफ़ी बन गई हैं। पहले इतना सब नहीं था, लेकिन थी रश भी होती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही है, मतलब मॉडिफाई हो गया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस वक्त बहुत ठंड है कलम में, आई मीन के हम जहाँ से आए थे घर की, वहाँ पे 53 डिग्री सेंटीग्रेड था, और यहाँ पर चल रहा है 15 से कम थोड़ा, तो ठंड है बहुत। अभी भी देखो जैकेट पहन, मई में मैंने जैकेट पहनी है, तो सोच लो कितनी ठंड होगी। आई मीन बहुत ठंड है, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो भैया हमारा खाना वाना बन रहा था, हम थोड़ा राउंड पे निकले थे बाज़ार के लिए, क्योंकि जब तक खाना बने तब तक हमने कहा थोड़ा बाज़ार पे चक्कर लगा लेते हैं, और अभी हम जा रहे हैं वापस, और हमारा खाना वाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया होगा, तो हम खाना खा के फिर दोबारा बाज़ार का चक्कर लगाएंगे, क्योंकि अगर किसी को कोई चीज़ लेनी होगी तो वो आके ले लेगा, शायद मुझे भी कोई चीज़ लेनी हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो मैंने ले लें, यहाँ पे बहुत सस्ता है, हमारे यहाँ बहुत महंगा है, क्यों झूठ बोलूँ। हमारा खाना अभी तक तैयार नहीं होता, सोहेल भाई को शर्ट चाहिए थी, तो हम शर्ट लेने आ गए, उसके होटल के साथ ही दुकान थी, तो आ गए शर्ट लेने। तो भैया खाना वाना खा लिया, और इंतहाई लजीज किस्म के चबली कबाब थे, और कढ़ाई उफ, मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी थे, और क्या नाम है, अगर आप कभी आएँ तो चबली कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आए थे, और मेरे साथ पेशावर के लोग थे, पेशावर का वैसे फास्ट फूड बहुत मशहूर है, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि पेशावर में भी उन्होंने ऐसे चपली कबाब नहीं खाए, तो अब आप सोच सकते हैं कैसे होगी चपली कबाब, मुझे तो बहुत पसंद आए। तो आप कलम जब भी आएँ तो सपना रेस्टोरेंट के ज़रूर चपली कबाब ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी हम जा रहे हैं होटल वापस, थोड़ा आराम आराम करें, फ्रेश वगैरह हों और सो जाएँ, क्योंकि बहुत थक गए, और कल सुबह को हमने जाना भी है माउंटेन, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, ठीक है। हाँ तो भैया बात कुछ ऐसी है कि रूम में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, वो ये थी कि आज का जो मेरा कलाम का व्लॉग था वो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और कल जो मेरा माउंटेन का व्लॉग होगा वो मैं अलग से स्टार्ट करूँगा और अलग से उसे अपलोड करूँगा, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, क्योंकि अब थोड़ी रेस्ट करनी है, कल जल्दी उठना है, और सारा दिन घूमना भी है, तो कल के लिए थोड़ी एनर्जी रखनी है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि हमारी गाड़ी के जो टायर होते हैं ना, उसके बोल्ट निकल आए, तो अभी सिर्फ 2 बोल्ट बचे हैं, तो वो हमारा ड्राइवर साहब को ठीक कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम नज़ारे देखने के लिए हम रुक गए हैं बाहर, सुभान अल्लाह।